हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डेस्टिनेशन पे। और आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का यूज़ करके और फंडामेंटल जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़े हैं उसका यूज़ करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ हम लोगों ने बेसिक देखा था और उसका आज इम्प्लीमेंटेशन इस क्वेश्चंस में भी होने वाला है। बट दोस्तों, यहाँ पे आप घबराना मत, ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे सो डैट, यानी कि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये प्रूफ डैट को करने वाला क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे आज के सेशन देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या बोला है, 1048, 1023, 1042, 1067 को बराबर करना है 1 के, यानी कि ये हमारे पास RHS है दिया हुआ और ये अपना LHS हो गया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है एक चीज़, मैं बताता हूँ यहाँ से। पहले यहाँ मैं लिख लूँ 1048, 1042, 1023 इंटू 1067। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ आगे पीछे भी कर सकता हूँ। आगे पीछे इन द सेंस क्या, 1048 यहाँ था, यहाँ लिख दिया 1042 यहाँ था, बट मैंने इसको यहाँ इसके साथ कर दिया। इसके साथ क्यों किया, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में कर सकते हैं और दूसरे केस में नहीं, इसलिए अगर इस तरह कुछ केस आए तो आगे फिर सोच समझ के करना यूज़, ठीक है। तो यहाँ देखना दोस्तों कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़े थे कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का योग हमेशा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें यह ध्यान देना है कि खोजना है, ढूंढना है हमें कि कहाँ पर दो एंगल जुड़ के 90 डिग्री पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 48 और 42, ये दोनों मिलकर 90 पड़ रहा है, ये 23 और 67, ये दोनों मिलकर 92 पड़ रहा है। बस हो गया हमारा सब क्वेश्चन आसान, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे बना देना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो या तो इसको 42 को 48 में चेंज कर दें या 48 को 42 में चेंज कर दें, हमें किसी एक को चेंज करना है और एक को उसी तरह रखना है। दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन वहीं रह जाएगा, फिर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग करते हैं 48 को चेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 48 इंटू 1042। सेम केस दोस्त यहाँ भी करेंगे हम लोग, 1023 को चेंज कर देते हैं 67 में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 23 इंटू हमारे पास 1067, ऐसे ही रह जाएगा। ओके, तो ये LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट 48, ये 90 में से 48 जाएगा, 42 बचेगा, और 1042 तो 42 रह जाएगा यहाँ पे, इस यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। और कॉट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 67, 90 में से 23 जाएगा 67 और 1067। ओके, अब क्या, हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया, बट यहाँ पे तो हमारे पास कॉट आ रहा है, टेन आ रहा है, फिर कॉट आ रहा है, फिर टेन आ रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर फंसेंगे दोस्त। तो चलिए, यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, आपको याद करना है, सबसे पहला क्लास हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का, उसमें क्या था कि हम लोग लिख सकते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा, याद होगा दोस्तों। ठीक उसी तरह टेन थीटा को लिख सकते थे 1/ कॉट थीटा, और इसी का वाइस वर्सा भी, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, या तो कॉट को फिर चेंज कर दें टेन में, या टेन को चेंज करते हैं कॉट में। हम लोग कॉट को चेंज करते हैं, 1/10 लिख देते हैं, 1042 और मल्टीप्लिकेशन में 1042 तो पहले से ही है। यहाँ कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/1067 और इंटू में 1067, तो पहले से है ही हमारे पास। तो यहाँ से ये फंक्शन और ये फंक्शन कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास कट पिट क्या आ जाएगा 1, यानी कि RHS में हमारे पास क्या था 1 और LHS में क्या है 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस
देखा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री और कुछ बेसिक फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने ये प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग शायद डरते होंगे, अब नहीं डर रहेगा, को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लेना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, इसमें क्या करना है, कॉस 38 और कॉस 52, साइन 38 और कॉस साइन 52। अब यहाँ बीच में माइनस का साइन दिया है, तो हमें क्या करना है, या तो इसको पूरे पेयर को इसमें चेंज कर दें, या इस पेयर को इसमें चेंज कर दें। आपको कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है, बहुत आसानी से आते ही आता ही है, और इसको RHS के बराबर हमें करना है, बराबर जीरो। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस 38 को इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री आया कहाँ से, इतना आसानी से क्वेश्चन आपको आपको बनते जा रहा है। देखिए दोस्तों, तो कॉस को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 38 इंटू इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 52। यहाँ हमारे पास इसको एज इट इज रखेंगे एक पार्ट को, नहीं तो इसको अगर चेंज किया रिवर्स में तो फिर वही हमारे पास वापस वही मिल जाएगा रिजल्ट। तो साइन 38 इंटू साइन 52, ओके। तो इस साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा साइन 38। कॉस को लिखे साइन में, तो यहाँ पे साइन हमारे पास निकला 90 में से 38 घटाएं, सॉरी 90 में से 38 घटाएं तो कितना बचा, 52। और यहाँ साइन 90 माइनस 52 करेंगे, 90 से 52 करेंगे तो 38 आएगा। तो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए दोस्तों, सेम क्वांटिटी, इधर माइनस, सॉरी इधर प्लस कुछ नहीं तो, और इधर माइनस, ये दोनों आपस में कट पिट के यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, हैंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। देखा कितने आसानी से क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन का कुछ आगे का हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन 3, जिसमें कि इसमें भी प्रूफ करने के लिए आपको दिया है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, इफ़ टेन टू ए इजकल टू कॉट ए माइनस 18, वेयर ए टू ए इजकल टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा, ओके, इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें एंगल ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। LHS में क्या दिया है हमारे पास, या फिर मैं क्वेश्चंस को पूरा लिख के बना देता हूँ। यहाँ पे तो एंगल निकालना है हमें, तो एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेन टू ए इजकल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी टेन टू ए और यहाँ कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको कॉट में चेंज कर दें, या इसको टेन में चेंज कर दें, बस कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ आपको करने आना चाहिए, जो कि आपने अच्छे तरीके से सीख चुका है। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉट का फंक्शन और यहाँ पे कॉट का फंक्शन दोनों सेम है, तो यानी कि यहाँ पे एंगल भी सेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस एंगल को दोनों को बराबर कर देंगे, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, इस a को इधर 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 9 एक 10 108, और यहाँ आ जाएगा माइनस 3, माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9 और ये 36, यानी कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक एंगल निकालने के लिए बोला था, और हमने एक एंगल आसानी से बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ किया और निकल गया। अब दोस्तों सवाल आता है कि एक एंगल 36 तो आ गया, क्या ये सही है या नहीं, एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने की वजह से ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है, बट मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ। रिलेशन में क्या कह रहा है, अगर देखिए कॉट 2a, तो कॉट 2a की जगह पर a की जगह पर अगर हम 36 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 72 डिग्री, ओके। और यहाँ क्या लिखा है, कॉट a माइनस 18 डिग्री,
cot, a हमारे पास है 36 माइनस 18, ठीक है, तो cot 36 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 18 डिग्री, यानी cot 18 इधर आ गया, 72 यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों, tan 72 बराबर cot 18, क्या ये सही है? जल्दी से सोच के बताइए दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव भी किया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों सही है, देखिए यहाँ tan को tan 72 है, इसको हम लोग cot में कैसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा यानी 72 बराबर cot 18 डिग्री, तो यहाँ से हमें 90 में से 72 हटाएंगे तो क्या मिलेगा, cot 18 इज इक्वल टू cot 18, हेंस प्रूफ। इस तरह से देखा, हमें यहाँ पर सत्यापित भी हो गया कि हमने जो एंगल निकाला वो सही है या नहीं है। तो ये बस आपके प्रैक्टिस के लिए, आप लोग भी जब बनाओगे तो इसे ज़रूर बनाना अपने आप से एक बार, और इसे आप नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमारे पास चौथे और पाँचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सिमिलर है दोनों, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपसे दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। वैसे मैं दोनों सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करके एक बार जरूर देखना। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू, tan a इज इक्वल टू cot b, और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो बस दोस्तों क्या लगाना है, कुछ दोनों तरफ हमारे पास tan है और cot है, हमको दोनों किसी एक में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं tan को cot में चेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot b। बस पिछले क्वेश्चन में कौन से रिस्म लगा, तो यहाँ फंक्शन दोनों का सेम है तो एंगल भी सेम होगा। cot cot को छोड़ो, यहाँ पे एंगल देखते हैं हम लोग, 90 माइनस ए इज इक्वल टू b। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म ही होगा यहाँ पे, आपका cot का फंक्शन ही खत्म। तो अब देखते हैं बस समेशन बचा है, तो क्या करें, यहाँ से 90 को आप यहीं रहने दो, यहाँ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। आपके पास LHS और RHS का हमें निकालना ही था, एंड ए प्लस बी का हमेशा सम निकालना था 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का सम 90 डिग्री आ गया। बहुत एक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बट ये भी बहुत सिंपल है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेर a इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री से कम होगा, तो हमें a का फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे ऑपरेट करके हमें क्या करना है, एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो बस बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन की तरह आपको इसमें भी चलना है। यहाँ sec और cosec का रिलेशन दिया हुआ है, दोनों को या तो इसको या फिर इसको इसमें चेंज कर दें, sec को cosec में या cosec को sec में। हम लोग sec को चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। बस सेम क्वेश्चन आपका, ये दोनों फंक्शन सेम है, फंक्शन को हटाओ, एंगल को दोनों को सेम कर देते हैं, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 20 को आप इधर ले आओ, 90 माइनस 20 इधर प्लस में आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 4a, यहाँ आ जाएगा 5a इज इक्वल, इधर हो जाएगा 110, तो a बराबर क्या हमारे पास आ जाएगा, 5 × 10 और 5 × 10 बचेगा, 1 × 5 = 10 हमारे पास ये आ गया 22 डिग्री का एंगल। देखा कितना आसान था दोस्तों हमारे पास एंगल को निकालना, बस हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ किया और यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके आराम से लग गया। तो बस इसी तरह मज़ेदार, आप मज़े लेते रहिए क्वेश्चंस के, और इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और आप लोग इसे नोट करो, मैं फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपको देखने से काफ़ी लग रहा हो हार्ड है, ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे एंगल को भी आधा कर दिया, यहाँ भी एंगल को आधा करिए, ये कैसे होगा। तो मैं आपको बहुत ये शब्द आसान शब्दों में समझाता हूँ कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या है हमें कि एबीसी एक ट्रायंगल है, या फिर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात होगा। एबीसी एबीसी एक ट्रायंगल है हमारा, इंटीरियर एंगल एबीसी का, देन सो डैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए बाई टू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों योगों तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हमें हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। ओके ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बी और सी, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें मांग रहा है, बी प्लस सी को एक साथ रखना है और ए को अलग करना है। तो हम लोग कर देते हैं कि बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, देख सकते हैं इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, बस इसको बराबर के इस तरफ कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। अब हमें क्या करना है कि ये साइन और इधर कॉस, ये दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन है और हमारे पास बी और सी का सिर्फ विदाउट फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, वी टेक साइन फंक्शन बोथ साइड, उसके बाद देखते हैं कैसे आंसर आता है। हम लोग साइन फंक्शन दोनों में इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओ एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, आप एक काम करो, यहाँ पे बी प्लस सी बाई टू है और ए बाई टू है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको भी दो से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी दो से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। अब यहाँ पे हम लोग इसमें साइन का फंक्शन इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, साइन का फंक्शन इंक्लूड करेंगे क्या आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस a बाई टू। और ये देखिए, इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री से शुरू किया था हम लोगों ने, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक ट्रायंगल का जो रूल है, वहाँ से शुरू किया और हम आंसर पे पहुँच गए। तो बहुत ईजी था, इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ लिख दो आप, हेंस प्रूफ LHS RHS के बराबर हो गया, साइन ए बी प्लस सी बाई टू और कॉस ए बाई टू। ओके, बस टोटली का टोटली क्वेश्चन डिपेंड है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद देखने में कुछ अटपटा लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल अटपटा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड बेस्ट है और मैं इसको आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना दोस्तों क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 टू 75 डिग्री। क्या बोल रहा है हमारे पास कि ये जो साइन 67 और कॉस 75 डिग्री का जो समेशन दिया है, इसको हमें किसी भी रेशियो में, मतलब किसी रेशियो नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हम लोग पढ़े हैं 6, उसी रेशियो में एंगल्स 0 और 75 के दूसरे टर्म में चेंज करना है। यानी कि 0 यानी कि 67 और 75 की जगह पे हमें कोई दूसरा एंगल आ सकता है, बट वो 0 और 75 के बीच में ही होगा, और ये जो फंक्शन है हमारा कॉस साइन का, ये भी हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिया है साइन 67, तो साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉस 67 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस 90 माइनस 67 23। ओके ठीक, इसी तरह हम लोग कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको मैं इतना लिख सकता हूँ और इसको इतना लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में चलते हैं।
साइन 67 प्लस कॉस 75। ये क्वेश्चन बनने के बाद आप कहेंगे अरे ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। और बिल्कुल दोस्तों कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को टर्म्स लैंग्वेज में देकर बस घुमा दिया आप लोगों को। और आपको घूमना नहीं है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों साइन 67 और कॉस 75, तो साइन 67 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 प्लस कॉस 75 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। तो बस आ गया आपका आंसर। कैसे आया देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एंगल क्या बोला था, मतलब 0 और 75 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, 23 और 15 डिग्री, ये दोनों कितना है, 0 और 75 के बीच में है। और कॉस और साइन का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहा, बट एंगल हमारे पास चेंज हो गया। तो बस ये और भी सब मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा था, बस एक आंसर फॉर्मूला पुट करो और आंसर लो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। और ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगले सेशन में हम लोग चलेंगे इसके अगले वीडियो पे, अगले एक्सरसाइज पे, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और इसको और अच्छे से बनाने की समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को शो करते रहिए, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।